अच्छा, अब आप बच्चों ने इंग्लिश के अंदर प्रेसी के अंदर ट्रांसलेशन पढ़ ली हुई है आप लोगों ने प्रेसी के लेक्चर में। अच्छा, वो इंग्लिश प्रेसी के सर ने अगर ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाई तो फिर हम थोड़ा सा ये मुश्किल होगा मुझे आप लोगों को ये पढ़ाने के लिए। अब पीएमएस में जो होता है ना, वो आपको एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी आती है पेपर टू के अंदर, उसमें इंग्लिश में वो पैराग्राफ होता है, आपने उसको पंजाबी में कन्वर्ट करना होता है। और इसी तरह एक ऐसे भी आता है 15 नंबर का, मतलब एक सवाल ही होता है ऑलमोस्ट, तो उसको फिर हम कल पे रख लेते हैं, आज हम जदीद शायरी कर लेते हैं। जदीद शायरी जो है वो मौजूदा जो शायर है ना पाकिस्तान बनने के बाद वाले, उनके ऊपर है। वो उन्होंने किस तरह शायरी की, उनकी शायरी की क्या खसूसियात थी, और वो इन चीजों को मतलब उनके ख्याल से पसंद थी उन्हें, तो इसमें है पीएमएस के अंदर शरीफ पंजाही, मुनीर नियाजी, बाकी सदीकी, नजम हुसैन, सैयद डॉक्टर शहजाद कैसर, डॉक्टर मुश्ताक सूफी, ये कोई बुक दिखाइएगा, ये इसके अंदर सीएसएस का सिलेबस होगा। दिखा हुआ है सिलेबस? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये एक बार नेम्स रिपीट कर दीजिए, उसमें क्लियर नजर नहीं आ रहे। मैं एक मिनट अभी रिपीट कर देता हूँ, मैं दोनों लिख दूं, मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। ओके सर। अब जदीद शायरी में सीएसएस के अंदर जो हमारे सिलेबस में शायर हैं वो हैं अहमद राही, मुनीर नियाजी, बाकी सिद्दीकी, पीर फजल गुजराती, डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर, रऊफ शेख। जो पीएमएस है उसके अंदर है शरीफ पंजाही, मुनीर नियाजी, बाकी सिद्दीकी, नजम हुसैन सैयद, डॉक्टर शहजाद कैसर, डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर और मुश्ताक यूसुफी। अब आपको इन दोनों तरफ लिखे हुए से अंदाजा हो गया होगा कि कौन से शायर इम्पोर्टेंट है, कौन से शायर इम्पोर्टेंट नहीं है। शायर वो इम्पोर्टेंट है जो दोनों ने सिलेबस में दिए हुए, उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पंजाबी ज्यादा है, तो इसलिए उन शायरों के ऊपर हमारा फोकस होगा, यानी कि मुनीर नियाजी के ऊपर, बाकी सिद्दीकी के ऊपर, डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर के ऊपर। ठीक है, ये हमारे जो तीन शायर है ना, ये आपने लाजमी अच्छे तरीके से तैयार करके जाने हैं। इन तीनों में से दोनों में सवाल आना के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि पीएमएस में सेक्शन बने होते हैं तो इस वजह से पीएमएस में हम कुछ ज्यादा करेंगे, यानी कि पीएमएस के लिए फिर हम शरीफ पंजाही और डॉक्टर शहजाद कैसर और नजम हुसैन से ये हमें करने पड़ेंगे। तो ये उधर वो बना देता है सेक्शन, इसका एक सेक्शन बना होगा, इसमें से कोई एक करना लाजमी होगा, वो चॉइस देगा, दो में से कोई एक करना लाजमी होगा, तो उस वजह से फिर हम इसमें ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते।
लेकिन सीएसएस में हम ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास चॉइस होती है, लेकिन पेपर में ज्यादातर यही आते हैं, इन तीनों में से सवाल आता है। कभी कभी पीर फजल गुजराती की तरफ में से भी सवाल आ जाता है, लेकिन वो एक रेयर चांस होता है। तो हमारा फोकस इन्हीं के ऊपर होगा, इनसे हमारे दोनों ही पोर्शन कवर हो जाएंगे। सर सीएसएस में लास्ट टाइम कौन सा है? सीएसएस में लास्ट टाइम आया है बाकी सिद्दीकी। नहीं सर, आप लास्ट पे कौन सा लिखा हुआ है? रऊफ शेख। ओके सर। पिछले साल पेपर में बाकी सिद्दीकी आया, तो इस साल पेपर में मुनीर नियाजी के आने के चांसेस बहुत ज्यादा। सबसे पहले हम करते हैं मुनीर नियाजी, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस साल उसके पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं वही बता दूं कि कुछ हेडिंग्स हर जदीद शहर के अंदर कॉमन होंगी, वो आपने लिखनी लिखनी है। पहली हेडिंग होगी उसके तारुफ की, ठीक है? तारुफ के अंदर उसी तरह जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि तारुफ के अंदर सबसे पहले आपने लिखना है पैदाइश, फिर आपने लिखना है उनकी तालीम, फिर था अदबी खिदमत और नौकरी, इनकी तरतीब बेशक आगे पीछे करते हैं, और वफात। ठीक है, जो जदीद शायर हैं या अफसाना निगार हैं, कोई भी सूफी शोरा के अलावा जो भी होंगे, उनके मुतलिक आपने ये बातें उनके तारुफ में जरूर लिखनी है। तारुफ दे दें इसका हेडिंग का नाम, इस हेडिंग का नाम हयाती दे दें, या इसका जम पल दे दें, कुछ भी दे सकते हैं आप इस हेडिंग का नाम, तो ये उसमें लाजमी लिखना है। उसके बाद फिर आपकी कुछ हेडिंग्स हैं जिस तरह मंजर निगारी। हाँ जी सर, ये जो आपने हयाती और जंपल बताया, ये पैदाइश में होगा या तारुफ की जगह भी इसकी हेडिंग दे सकते हैं? तारीफ की जगह इस पे हेडिंग दे सकते हैं। इस हेडिंग का नाम आप तारुफ लिख लें, हयाती लिख लें, जंपल लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके अच्छा, उसके अलावा हेडिंग है मंजर निगारी, जुबान और हाँ मेरे ख्याल यही इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना हेडिंग, ये सब में कॉमन है, आपने सबके अंदर ये लिखना होगा। कॉमन नहीं है, जो अलग होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने कोई सिंपल कोई भी शेर लिख देने हैं, जुबान से बता देना कि उनकी जुबान कैसी, कोई भी शेर लिखते हैं, मंजर निगारी से कोई भी शेर, ये लिख लिए। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, जो भी आप कोई सवाल अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, उस सवाल की जो आखिरी हेडिंग होगी वो होगी मुकदी गल। जिस तरह आप कंक्लूजन लिखते हैं ऐसे के अंदर, उसी तरह हर पंजाबी के सवाल के आखिरी हेडिंग होगी मुकदी गल, जिसमें आपने पूरी उसका सब करना है कि जो बातें हुई हैं वो क्या हुई हैं, कैसी हुई हैं। और मतलब फर्ज करें कि अगर आपको वो मुनीर बाबा फरीद गंजशकर के मुतालिक सवाल आया था, तो आपने मुकदी गल में बताना है कि बाबा फरीद गंजशकर पंजाबी दे मुढेले शेर शायर सी, उन्हां दी शायरी विच सानूं तसव्वुफ मिलता है, उन्हां दा फलसफा इश्क दे बारे च गल कर देने, मतलब वो सारी बातें जो आपने ऊपर लिखी उनको सम अप करके मुकदी गल के अंदर आपने लिख देना है, ताकि उसको पता चल जाए कि एक बात जो है ना लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच जाए। तो हर पेपर में कोई भी सवाल होगा, चाहे वो मौइज़ नौशा गंजबख्श है, पीएमएस में कहा हानि आई हुई है, उसमें सवाल पूरा अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद मुक्ति गल अंदर आपने सम अप कर देना चीजों को कि क्या थी चीजें, इसके अंदर क्या बात हुई है। ये मैं भूल गया था, ये हर सवाल के अंदर आपने करना है।
ताकि अगर उसको नहीं भी उसका पढ़ने को दिल कर रहा तो आखिरी मुक्ति गल पढ़। हाँ जी सर, ये मुक्ति गल में आपसे मैंने एक बार पहले भी क्लास में पूछा था, तो सर आपने कहा था जो बुक में लिखा हुआ है उसको मतलब समराइज करेंगे, हम ऐसा तो नहीं कर सकते लाइक अपने व्यूज हम वहाँ पे मुक्ति गल में लिखें, जो हमने ऊपर लिखा है उसी को ही समराइज करना होगा। हाँ हाँ उसी को समराइज करना होगा। नहीं आप, मुझे नहीं याद पहले ये सवाल किसने किया है मेरे साथ, चलो खैर या मुझे भूल गया होगा। मुक्ति गल जो होगा ना, बेसिकली कंक्लूजन का जो लॉजिक होती है ना, कंक्लूजन का जो लिखने का तरीका होता है, उसमें आपने कोई नई बात नहीं लिखनी होती, आपने पुरानी बातों को दूसरे तरीके से बयान करना होता है और एंड करना होता है अपनी बात को, एक किस्म का इख्तिताम करना होता है। तो इसका आप हेडिंग इख्तितामिया भी दे सकते हैं, अखीर भी दे सकते हैं। मुक्ति गल एक अच्छा वर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शायर कर लेते हैं। अब मुईन नियाज़ी की ना दो तीन खास बातें, पहला सिंबलिज्म या अलामता, दूसरा है डर, चले लिख लेते हैं, तीसरा है अकलापा। उनकी जो शायरी है ना उनमें ये तीन चीजें नजर आती हैं। सवाल भी ऐसे ही आता है उनके डर या खौफ के बारे में, सिंबलिज्म या अलामता के बारे में, या अकलापा के बारे में। तो एक एक कर, अकलापा, अकलापा उर्दू में इसको कहते हैं अकेलापन, खाई, ठीक है। तो इन ये तीन जो है ना मेजर थीम है मुनीर नियाज़ी की शायरी के अंदर। हम पहले शुरू करते हैं सिंबलिज्म के ऊपर के सिंबलिज्म होता क्या। अब आप, मैं आपको शेर बताऊंगा, वो शेर आप तीनों के अंदर लिख सकते हैं, इसलिए आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे। पेपर में तो सवाल किसी एक का आना है, आपको शेर थोड़े याद करने पड़ेंगे, आप हर किसी के अंदर वो फिट कर सकते हैं मुख्तलिफ हेडिंग्स के साथ। तो सिंबलिज्म, बेसिकली सिंबलिज्म ना एक फ्रांसीसी, सिंबलिज्म के ऊपर सवाल आएगा, आपने सबसे पहले सिंबलिज्म को डिफाइन करना है कि वो होता क्या है। फ्रांसीसी अदब दी तहरीक है, इस विच अलामता नाल जज्बात ते समाज ते चानन पाया जाता है। ऐ तहरीक मुसां विच बहुत ही मशहूर सी, पर शायरां ने भी इस नूं वरत्या। मुनीर नियाज़ी इस तहरीक नूं पंजाबी विच लै के आए, ठीक है। मतलब ये एक फ्रांसीसी अदब की तहरीक थी, इसके अंदर मुख्तलिफ अलामतें यूज की जाती हैं और उनसे बताया जाता है कि हालात या जज्बात क्या हैं। उन्हीं अलामतों के जरिए वो अकलापा भी बयान करते हैं अपना, उन्हीं अलामतों के जरिए वो डर और खौफ भी बयान करते हैं। तो वो मेजर थीम वो इसी के जरिए बयान करते हैं। आप ये दोनों याद करेंगे ना वो सिंबलिज्म ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सर अकलापा को दोबारा बता दीजिए, अकलापा मींस? अकलापा भी तन्हाई होता है, अभी मैं उसको डिटेल में बताऊंगा, अभी मैंने वैसे आपको बताया कि तीन थीम्स हैं इनके अंदर, ठीक है। पहले थीम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, सिंबलिज्म को। ओके सर। हाँ इसमें कोई बात समझ ना आई हो। अच्छा, अब सिंबलिज्म के अंदर जो मेन चीज है ना, उसके अंदर दो चीजें हैं। ये तो थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन थी। जो सिंबलिज्म तहरीक है ना उसी के अंदर ही अकलापा भी शामिल है, उसी के अंदर सोज शामिल है, सोज या गम, और उसी के अंदर तीसरी चीज शामिल है
हयाती दे दुख, मतलब ये सैड और डिप्रेसिंग चीज है, लिटरेरी मूवमेंट है, इसमें कोई अच्छी बात नहीं होती किसी चीज के अंदर, गम दुख रोना धोना ये होता है सिंबलिज्म के अंदर। तो अभी कुछ हम शेर पढ़ेंगे ना, जिस तरह एक उनकी शेर है शामा वेले किन मिन मी दी, बारिश नहीं लिखना मी लिखना है, हाँ ये बारिश होता है, मी दी खाली शहरा अंदर दुख देन दिए जेड़ा नहीं मिलता जहरा अंदर। अब इसमें बेसिकली ना वो अकलापे को ही शो कर रहे हैं, ये अकलापे का ही शेर है कि खाली शाम है, बारिश हो रही है और खाली शहर है, मतलब आप थोड़ा सा जहन के अंदर इसके अंदर इमेजिनेशन लानी पड़ती है कि खाली शहर है, उसके अंदर शाम का वक्त है और बारिश हो रही है, उस चीज के जरिए वो अपना अकेलापन करके, जिस तरह वो गलियां अकेली होती हैं क्योंकि रात को नहीं एक निकलता और अगर बारिश हो तो कोई भी नहीं घर से बाहर निकलता, उससे वो अकेलापन करता है और वो कहते हैं उस अकेलेपन से मुझे दुख मिलता है जो कि शायद नशे दे जहरा अंदर, सॉरी ये नशे दे जहरा अंदर, जो नशों में भी नहीं मिलता उन्हें दुख, जेड़ा नहीं मिलता नशे दे जहरा अंदर, मतलब जो अकलापा है उससे उन्हें दुख होता है और वो अपने अकलापे का इजहार किसे कर रहे हैं, बंद हो जाती है, फिर अगर बारिश हो जाए तो बिल्कुल ही खाली हो जाता है, कोई भी नहीं बाहर निकलता कि भीग ना जाए, तो जिस तरह वो जगह खाली होती है अकेली होती है उसी ये वेकल हो गई, इसका हो गई है, बैठ जाए। हाँ ये जो बच्चे ऑनलाइन है उनको मैं ये बात दोबारा बता देता हूँ कि वो एक तो सिंबलिज्म की तहरीक है जिसमें डायरेक्ट बात नहीं की जाती, कोई अलामत यूज की जाती है, उस अलामत के जरिए अपनी बात को एक्सप्लेन किया जाता है, डायरेक्ट नहीं बताया जाता। अब उन्होंने तन्हाई को या अकलापे को, पंजाबी में अकलापा बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करना था, उन्होंने सिंबल यूज किया श्यामा वेले किनमिन मीदी खाली शहर अंदर, कि जिस तरह कोई खाली शहर के अंदर रात के वक्त बारिश का टाइम होता है ना, कि कोई शख्स आपको सड़कों पे नजर नहीं आ रहा होता, आप अकेले होते हो, उसी तरह वो अकेले रहते हैं और उनको इस अकेलेपन से दुख मिल रहा है जो नशे के अंदर भी मौजूद नहीं है। ठीक हो गया कि ये उनके अकलापे का शो। हाँ जी अकलापा हम ये कह सकते हैं जैसे कल्लापन होता है उससे ड्राइव किया, कल्लापन से निकला है, ये जरा सोफिस्टिकेटेड पंजाबी का वर्ड है। ओके अच्छा, इसी तरह एक जगह और वो कहते हैं शीशे ओले अक्स किसे दा मिट्टी अंदर रख इना धुआं दे नाल जगदे सारे
दुख ते सुख। अब ये भी सिंबलिज्म है। सिंबलिज्म क्या है कि वो एक मिसाल दे रहे हैं, शीशे वाले शीशे के अंदर किसी का अक्स है, मतलब इस ये सिंबल है रूह का, कि शीशे के अंदर किसी का अक्स है ना, वो बेसिकली रूह है, वो रूह है मिट्टी के अंदर, यानी कि इंसान। इस पूरे मिसरे का मतलब है इंसान, ये इसका मतलब है रूह, मिट्टी के अंदर मतलब जिस्म, रूह और जिस्म एक इंसान बन गया। तो वो कहते हैं कोई इंसान है और इन दोनों के मिलाप से ही दुनिया के सारे दुख और सुख है। ये आपको सिंबलिज्म शो हो रहा होगा कि किस तरह वो, अब बात को सीधा भी कर सकते थे कि जी सारे दुनिया में दुख जो है इंसानों की वजह से, लेकिन उन्होंने इस बात को इस तरह की है कि शीशे ओले अक्स किसे दा, मतलब रूह मिट्टी अंदर रख जिसम, इन दुआं दे नाल इन दोनों के साथ जग दे सारे दुख ते सुख। यानी कि अगर आप एक लाइन में ये बात करें कि इंसान की वजह से ही पूरे जमाने के अंदर दुख भी हैं सुख भी हैं, तो ये इंसान के ऊपर है कि वो क्या करता है दुनिया के अंदर। अच्छा, अब इसमें ना रोमांस भी है, रोमांस रोमानवी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जब हमने ये मुनीर नियाज़ी स्टार्ट किया तो आपने हमें तीन इसमें बताए थे, एक अकलापा, सिंबलिज्म या लांता ऑर्डर। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबलिज्म को डिफाइन किया, अब मतलब आपने उसकी एग्जांपल्स बताई हैं, तो सर मुझे ये बात क्लियर नहीं हुई जो आप कह रहे थे कि अकलापा ऑर्डर इसको हम अलग से करेंगे, या यही मतलब है जो हमने सिंबलिज्म में देखा है? हाँ हाँ, बेसिकली मैं ये बात कर रहा हूँ कि सिंबलिज्म और जो है ना अकलापा और दुख, अकलापा और डर जो है इसी के सब हेडिंग में, ठीक हो गया। पेपर में वो या तो सिर्फ अकलापा पूछ लेते, हाँ सिर्फ अकलापा पूछ लेता है, सिर्फ दुख पूछ लेता है, या फिर सिर्फ वो पूछ लेता है सिंबलिज्म पूरा पूछ लेता है, उसमें फिर तीनों चीजें आ जाती हैं। तो मैं आपको सिंबलिज्म करा रहा हूँ, उसी के अंदर से मैं आपको अकलापा भी करा रहा हूँ, या आपको अकलापे के अंदर ही शोर है, अकलापे के अंदर ही आपने ये बातें भी अकलापे में लिखते हैं, सोज और गम, हयाती दा दुख, रोमांस, ये सब अकलापे का भी हिस्सा है। डर वाला मैं अभी उस तक नहीं आया आप, ठीक है? ओके सर। हाँ, मैं अभी अकलापा कर रहा हूँ, सिंबलिज्म को मैंने डिफाइन कर दिया है, और सिंबलिज्म के आपने अंदर आपने अकलापा, अकलापा वाली सारी हेडिंग्स भी लिखनी है और डर वाली भी सारी लिखनी है, लेकिन जब अकलापा सिर्फ आएगा तो आपने सिर्फ यही बातें लिखनी है। हाँ, मैं रोमांस बता रहा था। बुलसी उस दे एवें जैवें लाल लहू दा जाल, सब तरह होशियार बदन सी, बेपरवाह जी चाल। अब ये वर्ड बेपरवाह होता है, लापरवाह नहीं होता, ये भी ध्यान करना है। उर्दू में भी लिखते हुए लापरवाह नहीं लिखते रहना। सब, अब वो कहते हैं बुलसी उस दे एवें जैवें लाल लहू दा जाल, यानी के रेड, सप तरह होशियार बदन सी, सप मतलब स्नेक, ये स्नेक वाला सप है, सप तरह होशियार। अब होशियार जो है ना उर्दू में यूं लिखा जाता है, पंजाबी में यूं लिखते हैं, वाओ खत्म हो जाता है दरमियान में से, होशियार, ठीक है, ये पंजाबी में इस तरह लिखते हैं। अच्छा, उर्दू में होता है सांप, पंजाबी में होता है सप, सप तरह होशियार बदन सी बेपरवाजे चाल, मतलब वो उसका बदन होशियार था लेकिन वो बेपरवाह थी। ये बेसिकली वो एक औरत को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसके लाल उसके होंठ थे और वो सांप की तरह होशियार थी लेकिन बेपरवाह थी, मतलब दुनिया से परवाह नहीं है उस पर, वो चल रही है। सर बेपरवाह के आगे क्या लिखा? बेपरवाह जई चाल, जे
छोटी है ऊपर हमजा। सर बेपरवाह में आखिर में है भी है। हाँ जी सर, ये शेर अदबी पेंडे से है। ये है मेरे ख्याल इस किताब से। अब मुझे असल में याद नहीं आ रहा, मैं एक्चुअली में पढ़ता हूँ मुख्तलिफ किताबों से, मुझे पता नहीं याद नहीं रहता कौन सा मैंने किस किताब से लिखा हुआ है। जहां जहां से मुझे अच्छी चीजें मिल रही होती है मैं ऐड करता जाता हूँ। ये आपको सारी एक किताब से नहीं मिलेंगी, तो वो इस वजह से मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कहाँ से ये मैंने, हो सकता है नेट से भी उठाए हो शेर जो इस चीज को बयान कर रहे हो। मैं देखता हूँ कि ये हेडिंग्स हैं मैंने ऐड करनी है, इन हेडिंग्स पे कौन से शेर अच्छी तरह फिट होते हैं। अच्छा, भयाती का दुख ये है, अगे भी कुछ नजर नहीं आंदा। यार भी कुछ नहीं रहंदा, सॉरी याद भी कुछ नहीं रहंदा, याद रिमेम्बरिंग वाला मतलब। ये हयाती का दुख वो बता रहे हैं कि उनको आगे कुछ अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा और उनको अब कुछ याद भी नहीं रहता। तो ये बेसिकली हयाती का दुख उन्होंने बयान किया है, उन्हें कुछ पता नहीं रहता अब आगे जिंदगी के अंदर क्या हो रहा है। इससे आप उनका अकलापा शो कर सकते हैं, तो किस तरह अकेले रहते थे, उनका अंदर तन्हाई उनकी शायरी की एक मेन थीम है इन चार पांच चीजों से। अब हम आ जाते हैं डर के ऊपर। हाँ जी सर, ये जो आंदा लिखा है इसको हम औंदा कर सकते हैं, अलिफ वाव नून दाल अलिफ या इसी तरह? नहीं, ये आपने नहीं शेरों को नहीं चेंज करना, क्योंकि शेर जो है ना जिस तरह उसने लिखे होते हैं आपने उस तरह लिखे। वैसे ओवरऑल पंजाबी में हम औंदा लिख सकते हैं या आंदा ही औंदा लिख सकते हैं, नजर नहीं औंदा वो भी लिख सकते हैं, उसमें फिर हम ऊपर अलिफ मद्दा नहीं आएगा। आप आंदा की जगह ना औंदा भी लिख सकते हैं या फिर औंदा भी लिख सकते हैं। ये लिख लिया, मैं ये रेज कर दूं। आप इनके अलावा भी कोई भी शेयर कर सकते हैं, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए शेयर बताता हूँ। आप इससे ज्यादा भी हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं अगर आपको याद रहती है, तो आप इन कम भी कर सकते हैं, ज्यादा कर लें कम ना कर दिएगा इससे। अच्छा अब उनका डर जो है ना उसमें हम उनके एक फलसफे के बारे में बयान करेंगे, दूसरा ये है उनका हयाती दा मुशाहिदा, सब लोका नाल ताल्लुक। अब ये चार पांच बातें हम उनके डर के अंदर बयान करें। अब उनका फलसफा जो है ना वो ये है कि वो दुनिया से अलग रहते हैं, साइड पर रहते हैं, परे सी मंदिर भेरू दा परे सी असी रावां विच। उनका फलसफा ये है साइड पर रहना चीजों से, चीजों के साथ कम से कम इंटरेक्ट करना है। आप इसको इकलापे के अंदर भी लिख सकते हैं इस हेडिंग को, इस फलसफे वाली, लेकिन ये डर में भी लिख सकते हैं आप, इकलापे में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये सारी चीज ऑलमोस्ट एक जैसी ही बातें हैं। तो फलसफा ये है कि जी चीजों से दूर रहना है, चीजें जैसे चल रही हैं उनको चलने दो, खुद को उनसे अलग रखना है। तो
इसमें वो शेर बनाते हैं जितना परे सिमंदर फेरूंगा, कि एक साइड पर एक इबादत गाह थी और मैं उससे भी साइड पर हो गया, मैंने अपनी राय चेंज कर। ये है कि उनकी जिंदगी का फलसफा है कि हमने दुनिया से अलग रहना है। अच्छा सर, मंदिर भैरू दामीन, भैरू का मंदिर, भैरू देवता का, देवता का नेम है ये? हाँ जी। सर जब आप लिख रहे हो तो साथ साथ बोलते जाया करें। मैं भी बोलता हूँ। अच्छा जी, हयाती का मुशाहिदा वो करते हैं। अजब तरह दी बिलियां सन, अजब तरह दे हासे सन, अक्सी खा जावन वाली बदन लहू दे प्यासे सन। अब ये जो बिलियां है ना, बेसिकली वो लोगों को कह रहे हैं कि जिस तरह बिल्लियां होती है ना, वो अजीबो गरीब सी, उनकी अजीबो गरीब सी हंसी होती है। मतलब अगर आपने बिल्लियों को रात को जैसे लड़ते हुए देखा हो या वो बात कर रही होती है, और अजीब सी डरावनी सी आवाज निकालती है जैसे रो रही है, तो उस अलामत के जरिए, ये भी सिंबलिज्म के जरिए उन्होंने बात बयान की है कि लोग जो है ना उसी तरह की बिल्लियां हैं रात को डराने वाली, उनकी मतलब आंखें उनकी चमक रही होती है रात को, अक्सी खा जावन वाली और बदन लहू दे प्यासे सन, के उनके बाल खड़े होते हैं उस वक्त बिल्लियों के जब वो लड़ाई के मोड में होती है। तो उससे उन्होंने लोगों को किया है कंपैरिजन के उनके अजब तरह दे हासे, मतलब अक्सी खा जावन वाली बदन लहू दे प्यासे सन। इसमें आपने एक वाक्या बयान कर सकते हैं, ये थोड़ा सा जिसको कहले से एक फनी वाक्या भी है। उनको ना नवाज शरीफ साहब ने जब वो पहली दफा वजीर आजम बने, उन्होंने दावत दी, उन्होंने बहुत सारे अदीबों की दावत की और उन्हें भी बुलाया। अब उस दावत पर जारी बात है खाने पी, अब मैंने आपको क्या बताया उनका फलसफा क्या है कि दुनिया से अलग रहना है, दुनिया जैसे चल रही है चलती रहे। तो अब उन्हें लोगों ने कहा कि भाई वजीर आजम ने दावत दी है जरूर जाना, वो दावतों में नहीं जाते थे ना ही मुशायरों पे जाते थे, तो वो वहां गए। अब लोग वहां पर थे, जारी बात है वजीर आजम की दावत है, इतने सारे बड़े बड़े लोग आए होंगे, वो आपस में बात कर रहे हैं, शोर होगा और एक मतलब एक अपना अपनी पड़ी होगी ना कि वजीर आजम आया है, हम कोई अपना ताल्लुक कोई काम निकलवा लें, कोई अपना काम निकलवाने की कोशिश कर रहा होगा इसी तरह। अब उसको वो कहते हैं और खाने वगैरह आते हैं, तो अब उसको वो बयान कर रहे हैं, आदम नहीं जानवर सन, रोला पाई जांदे सन। मतलब ये अब उस दावत का उन्होंने हाल बयान किया कि मैं उधर गया हूँ तो वहां तो वो आदम तो नहीं, वो जानवर ही लाग रहे थे, उन्हें अपनी अपनी पड़ी हुई थी और वो रोटियों के ऊपर टूट पड़े थे। बेसिकली रोटियों के ऊपर टूट पड़ने का मतलब है कि उनको अपने काम निकलवाने की पड़ी हुई थी कि वजीर आजम आया है, बड़े बड़े लोग अच्छा। अब जो लोग डिस्कनेक्ट, दोबारा बताऊं कि उन्होंने दावत का इस तरह हाल बयान किया कि वो आदम नहीं कोई जानवर थे,
और रोले डाल रहे थे और उन्हें रोटियों की पड़ी, सब अपने ही पड़ी हुई थी, नफसा नफसी का आलम था। क्यों? क्योंकि वो बड़े लोगों की दावत होती है, आप सारे इस तरह हला लला मचाई होती है, वजीर कहते थे जमे गफील लग जाता है, लोग कोई सलाम कर रहा है, कोई फलां बात कर रहा है, कोई फलां बात कर रहा है, तो उस तरह का वो बयान करते हैं। तो आप इनको उनके हयाती के उन्हें अच्छा, जिस तरह सूफी लोगों को दुनिया अच्छी नहीं लगती, दुनिया को वो उनको पसंद नहीं करते, इसी तरह मुनीर नियाज़ी को भी वो पसंद नहीं है, तो उन्हें भी ये चीज अच्छी लगती है। वो कहते हैं दुख और भी दिंदे ने दर खाली दरगाहां, मतलब अगर दरगाहों पे कोई लोग नहीं जाते तो उन्हें और दुख होता है, क्योंकि उनके नजदीक वो लोग ऊंचे लोग हैं और उनकी जिंदगी जो है उनके ऊपर फॉलो करना चाहिए, उनके फिलॉसफी के ऊपर। ठीक है, लोका नाल तालुक के ऊपर इनका एक शेर है, पहले ते मैं लंघ गया एवें जैवें कोई अनजान, फिर मैं उन्नू पछान के होया बड़ा हैरान। कि भी वो एक शख्स को वो आगे चले जाते हैं, उनको देखते भी नहीं है, उनको अनजान समझते हैं, लेकिन बाद में उन्हें देख के फिर वो हैरान होते हैं। मतलब उनकी फिर पहली इंस्टिंक्ट क्या है कि उन्हें लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, लोगों के साथ उनका ताल्लुक अच्छा नहीं है, तो वो लोगों को अवॉइड कर रहे हैं। इसी वजह से वो कहते हैं कि मैं पहली दफा तो उनको अनजान समझ के छोड़ गया, लेकिन बाद में फिर मैं हैरान होने की एक्टिंग करता हूँ कि ताकि उन्हें भी बुरा ना महसूस हो। तो मुनीर नियाज़ी की ये कुछ एक शायरी की मेन मेन बातें। सर ये तसव्वुफ वाला काइंडली रिपीट कर दीजिए, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत अनस्टेबल है। अच्छा, तसव्वुफ वाला ये बता रहा था मैं कि जिस तरह सूफी लोग दुनिया से अलग रहते हैं, उन्हें दुनिया अच्छी नहीं लगती, उसी तरह मुनीर नियाज़ी को भी अच्छी नहीं लगती, तो दोनों के अंदर ये सिमिलैरिटी है, तो इस वजह से वो मुनीर नियाज़ी उनको अच्छा समझते हैं। इसके मुताबिक वो बात लिखते हैं कि दुख होर भी जिंदे ने दर खाली दरगाहां दे, कि अगर खाली दरगाह वो देखते हैं, खाली दरबार वो देखते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी फिलासफी को मुनीर नियाज़ी भी मानते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया भी माने। सर इनकी ज्यादातर पोएट्री तसव्वुफ में है? नहीं, ये तसव्वुफ नहीं है बेसिकली, ये ठीक चल रहा है। हाँ चलने दे, अब चलने दे। तो ये तसव्वुफ नहीं है बेसिकली, ये सिंबलिज्म है। तसव्वुफ में और बातें होती हैं, ये अपनी बातों को सिंबलिज्म के जरिए इजहार करना जो है ना वो है बेसिकली। थीम तो तुम जैसे ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है ये उनसे। पहले ते में लंग गया है, ये लोगों के साथ ताल्लुक
होगा उनके ऊपर। पहले तो मैं लंघे एवं जैवे कोई अनजान, फिर मैं ओनू पछान के होया बड़ा हैरान। पहचान को उन्होंने पछान लिखा हुआ है। अब वो यही कहते हैं कि मेरी पहले इंस्ट्रक्ट ये होती है कि मैं लोगों को अवॉइड करूँ, तो लोगों से वो कर रहे हैं कि भी मैं अनजान बन के उनसे दूर हो गया, चले गए वो, जा रहे हैं मैं अनजान हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने उनको देखता हूँ, फिर मैं उनको पहचान के थोड़ा हैरानगी शो करता हूँ कि हाँ हाँ मैंने नहीं पहचाना थोड़ी, मतलब वही उनकी पहली इंस्ट्रक्ट क्या है कि लोगों से दूर रहना, चीजों से दूर रहना, चीजें जैसे हो रही है उनको होने दें। और सर ये आपने हयाती दा मुशाहिदा में बताया था, आदम नहीं जानवर सन, रोला पाई जांदे सन, इसके आगे वाली लाइन बता दीजिए। रोटियां खाई जांदे। थैंक यू सर। ठीक है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर ये जो लास्ट आपने बताया पहले तो मैं लंघिया ई में, सर ये इसकी हेडिंग क्या थी? ये थी लोका नाल ताल्लुक। ओके सर। अच्छा अब हम आगे, जो अगला शेर है ना उसको, शायर है वो है डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इनको बाबा ए पंजाबी किया जाता है, मतलब ये पंजाबी के सबसे बड़े शायर, जिस तरह मौलवी अब्दुल हक बाबा ए उर्दू है ना, डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर बाबा ए पंजाबी है। इन्होंने एक तो पंजाबी के लिए रिसाले लिखे हैं, पंजाबी की शायरियों को कंपाइल किया है और खुद भी शायरी की है, तो इस वजह से डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर की ना इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप इनके तारुफ में ये बात लिख सकते हैं अदबी खिदमत वाले पोर्शन के अंदर कि इनकी पंजाब के लिए बहुत ज्यादा खिदमत है और इस वजह से इनको बाबा पंजाबी भी कहा जाता है। ये वो चंद उन शोरा में से हैं जिनको, जदीद शोरा में से जिनको सिख पंजाब जो है, मशरकी पंजाब जो है, वहां पर भी फॉलो किया जाता है, किताबें वहां पर भी पढ़ाई जाती है, तो मतलब इनका इतना ज्यादा असर है पंजाबी के ऊपर। अब इनमें कुछ हम बातें डालते हैं कि इनका ना एक पोर्शन जो है वो है, इनके जो मेन थीम्स हैं वो है इस्लाम और हुब्बुल वतनी। ये दो, हुब्बुल वतनी या पंजाबी में अगर आपने लिखना है वतन नाल मोहब्बत या वतन परस्ती या रैतल नाल प्यार, कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। तो ये दो मेन थीम है। अब इनको एक तो इस्लाम अच्छा लगता है और दूसरा अपना मुल्क पाकिस्तान अच्छा है, तो इन दोनों के अंदर उनकी शायरी आपको मेन थीम नजर आएंगे। अब इस्लाम के अंदर उनमें वो हमद लिखते हैं, नात लिखते हैं, शरीयत दी सर बुलंदी का लिखते हैं, इस तरह की बातें लिखते हैं। ओ मुल्ला नाल नफरत का है इसके अंदर थीम, और है ये मेन थीम जो इसके अंदर है, इसमें कुरान या इस्लाम ते अमल करन दा दर्स भी है। ये मेन थीम जो है ना उनके इस्लाम वाले पोर्शन के अंदर है। हुब्बुल वतनी वाले पोर्शन के अंदर जो सर ये जो इन्होंने लिखे हैं से कुछ ट्रांसलेटेड भी है या सभी इनकी अपनी बुक्स है, तसनीफ वगैरह इनकी अपनी है? नहीं, इन्होंने कुछ ट्रांसलेट भी किए हैं, कुछ कंपाइल भी किए हैं और
कुछ बताई भी है, क्या नाम है, रिसाले भी छापे हैं, उसमें दूसरों की किताबें होती थी, काम होता था, लेकिन हम मेन फोकस उनकी अपनी शायरी के ऊपर करेंगे जो उनकी शायरी है। अच्छा आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? दर्श दाल डालो अच्छा अब हुब्बल वतनी के अंदर आ जाता है। कायदे आजम दा वेरवा, इकबाल दा परछावा, मतलब इकबाल की जो है ना वो इसमें शो होती है, और हिम्मत दा दर्श, साम्राज तो नफरत। ठीक है ये लिख लें सर। साम्राज मीन मोनार्क? नहीं मोनार्क नहीं, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म होता है ना वो इंपीरियलिज्म आपको शो होता है कॉलोनियलिज्म की शक्ल में, और अगर जिस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो सुपर पावर्स इंटरफेयर करते हैं ये इंपीरियलिज्म के अंदर आता है। ओके सर ठीक हो गई। अब इन बातों को मैं अलग-अलग एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम इस्लाम के ऊपर आते हैं। हम्द उनकी ना थोड़ी सी तसव्वुफ वाली हम्द है, तो ये मैं आपको लिख के समझा देता हूँ इसका शेर। तेरी थां ते जाहर होना पैंदा है मेनू, तू छुपन दी कसम जो खाई होई। ठीक है अब हम्द के अंदर ना ये तसव्वुफ का एलिमेंट भी आ रहा है। तसव्वुफ का एलिमेंट क्या आ रहा है कि जब अब कदीम शायरी वाला लगते हैं जिन्होंने लिया था उनको पता होगा कि जो तसव्वुफ है उसके मुताबिक वादत अल वजूद एक मेन वो है फलसफा, उसके मुताबिक हर चीज झूठ है सवाए अल्लाह ताला के, और हर चीज उसका परछावा है यानी कि उसका अक्स है। अब वो हम्द में कहते हैं तेरी थां ते जाहर होना पैंदा है मेनू, यानी कि वो जो है अल्लाह का एक अक्स है, और चूंकि अल्लाह की बनाई हुई चीजों में लोगों के लिए निशानियां हैं तो वो खुद उनकी जात भी लोगों के लिए एक निशानी है अल्लाह की। तू कसम छुपन दी कसम जो खाई, क्योंकि अल्लाह अब हमें नजर तो आता नहीं, अल्लाह हमें जाहिर होता नहीं, तो ये थोड़ा सा एक गिला भी है इसमें कि अल्लाह तू छुपा हुआ है हमें दिखता नहीं है, तूने भी छुप के रहना होता है, तो उसकी जगह पे मैं मतलब वो जो दुनियावी चीजें हैं उनको जाहिर होना पड़ता है, उनमें हम तेरा अक्स ढूंढते हैं। तो ये एक हम्द भी है, तसव्वुफ भी आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं। सर था मींस? हाँ जी हाँ, तेरी था ते जगह, ये था होता है जगह। छुपन मतलब छुपना, हिडन। ठीक है अब हम नात वाला शेर देखते हैं। ओ हीरा है मैं पत्थर आ, ओ सोना है मैं पारा नहीं। मैं दसो किस दा सहारा है, ओ दसो केस दा सहारा नहीं। ये नात है। ठीक है
अब वो ये बात कर रहे हैं, वो हीरा है मैं पत्थर, मतलब वो डायमंड है तो मैं एक सिंपल स्टोन, वो सोना है मैं पारा नहीं। पारा जो है ना बेसिकली मरकरी, पारा मरकरी को बोलते हैं, यानी कि वो बता रहे हैं कि हुजूर सल्लम की जात उनसे ऊपर है। टू सिंपल सिंपलीफाइड, मैं दसों केसदा सहारा है, दसों केसदा सहारा नहीं, कि मैं जो किसकी किसी का सहारा नहीं हूँ, लेकिन हुजूर सल्लम की जात तो हर किसी के लिए सहारा है। बात समझ आ गई, ये उनका एक नातिया अंदाज है। अब शरीयत की सरबुलंदी का वो कहते हैं मूसा तूर ज़मीना ते अरशां ते नूर मोहम्मद दा, छपे दस्तूर जमाने दे कल्ला दस्तूर मोहम्मद। अब ये वो बात कर रहे हैं कि अब हुजूर सल्लम की एक सुपीरियरिटी भी शो कर रहे हैं, हमारी शरीयत की भी सुपीरियरिटी शो कर रहे हैं, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो सिर्फ जमीन पे ही अल्लाह को देखने गए थे ना, हुजूर सल्लम तो अरशों पर चले गए अल्लाह को देखने के, और वो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पूरी तरह नहीं दिखाया जा सका, वो तो जल्दी का वो जिसको कह लें कि बर्दाश्त नहीं कर सके अल्लाह की तजल्ली। फिर वो कहते हैं कि इस जमाने में इतने दस्तूर छपे हुए हैं, लेकिन जो अकेला दस्तूर है जो आज तक मौजूद है वो हुजूर सल्लम का है, वो दस्तूर है शरीयत। तो ये एक शरीयत की सरबुलंदी वो बात करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये हर हेडिंग में हमने ये शेर लिखना है और उसके बाद इसको मतलब एक्सप्लेन भी करना होगा, लाइक जैसे आप पंजाबी में इसका मीनिंग बता रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, आपने हर हेडिंग में जिस तरह कोई भी हेडिंग अगर शायर की है तो उसमें शेर लाजमी बताने, आप शायर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपने शेर लाजमी लिखने हैं, क्योंकि वो शेर जो है ना वो आप लिखेंगे तो उससे पता चलेगा आपने वाकई पढ़ा हुआ है, ऐसी बातें नहीं की हैं, और जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आप वैसे लिख दें। आप इसके अलावा भी हेडिंग लिख सकते हैं, इसके अलावा भी शेर लिख सकते हैं, मैं आप वो चुने में जो आसान है और समझाने भी आसान है, याद करने में भी आसान है, और शेर वाला कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब अगर आप में से किसी को पहले नहीं पता वो लाजमी आपने अटेम्प्ट करना है, यानी कि मुनीर नियाजी के ऊपर सवाल आता है, बाबा फरीद गंजगर के ऊपर सवाल आता है, बाबा बुल्ले शाह पे सवाल आता है, वो लाजमी आपने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसको जब आप अटेम्प्ट करेंगे ना शेर वाले सवाल में ज्यादा नंबर आने के चांसेस है। अच्छा, अब उन्हें ना मौलवियों से भी नफरत थी, उन्हें मौलवी अच्छे नहीं लगते थे, मुल्ला ते मशालची इको चित लोकां पावन लोकां करण चाननी आप हनेरे विच। अब वो मौलवियों को ना मशालची होता है मशाल बरदार, मशाल बरदार। अब कोई भी शख्स जिसने मशाल उठाई होती है ना वो खुद अंधेरे में होता है, क्योंकि सिर्फ मशाल की रोशनी होती है और चिराग तले अंधेरा होता है, ये सिर्फ मुहावरा है, ये एक्चुअली में ऐसे होता है कि रोशनी चूंकि ऊपर फैलना होता है तो नीचे वो उसके एक साया बना होता है। तो वो उनसे मिसाल देते हैं कि जिस तरह मशालची जो है वो खुद दूसरों के लिए तो रोशनी कर रहा होता है, लेकिन खुद उसकी शक्ल जो है उसका जिस्म वो है वो अंधेरे में होता है, उसी तरह मौलवी भी हैं, वो लोगों को तो बड़ा दर्श दे रहे होते हैं, खुद अंधेरे में होते हैं, खुद उन्हें कुछ पता नहीं होता। तो इस तरह वो मौलवियों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि वो मशालची की तरह है, लोगों के ऊपर चाननी कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है, खुद उनको कुछ पता नहीं है, खुद वो अंधेरे में जिंदगी जिए जा रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने आजकल के उलमाए सू भी उन्हें बोला जाता है कि वो आलिम, हजरत अली का कौल है कि उलमाए सू की मिसाल ऐसी है जैसे गधे के ऊपर लदी हुई किताबें,
यानी कि जिस तरह एक गधे के ऊपर अगर किताबें लाते हैं तो वो आलिम, उसके पास इलम तो बहुत है क्या, लेकिन उसे वो इलम की समझ आएगी, उसे उस इलम की समझ तो नहीं ना आएगी। इसी तरह जो आलिम सू होता है उसने भी किताबें रटी हुई होती हैं, उसके पास बहुत इलम होता है, उसने लाइब्रेरी अपनी बनाई होती है, लेकिन उसको उसकी खुद समझ नहीं होती। तो यही बात डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर ने भी की है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि इस्लाम ते अमल करन दा दर्स। दुनिया ते मुसलमान बने फिरदे ने ओ पढ़ के ना कदी समझिया कुरान जिन्हा ने, यानी कि हम मुसलमान तो बने फिर रहे हैं लेकिन हम में से किसी को कुरान समझ तो आता नहीं। हम नमाज पढ़ रहे थे, हमें पता नहीं होता क्या होता है। हम जो एक नियत उर्दू में करते हैं वो भी नियत फर्ज नहीं होती। जो फर्ज हम जितने भी नमाज के अंदर अदा कर रहे होते हैं 90% लोगों को उसका मतलब ही नहीं पता होता वो क्या बोल रहे हैं। सूरह फातिहा के नहीं मतलब पता होता कि जो हम पढ़ रहे होते हैं। तो इसी से वो बताते हैं कि हम मुसलमान तो बने फिरते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हम समझते ही नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। एक बड़ा एक जोक भी है कि बड़े सगीर के मुसलमान जो है ना, अगर उन्होंने अल्लाह से बात करनी हो तो अरबी में करते हैं, अपने दूसरे दोस्त या साथी से बात करनी हो तो उर्दू में करते हैं, घर वालों से बात करनी हो तो पंजाबी या सराइकी में करते हैं, और अगर किसी दफ्तर में साहब से बात करनी हो तो अंग्रेजी में करते हैं। तो इसी तरह की एक हमारे साथ डिलेमा जो है ना, उसके ऊपर ये बात की डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर ने कि हमें पता नहीं होता हम क्या कह रहे हैं, हमने रटी हुई है चीजें वही हम कर रहे होते हैं। तो ये उनका इस्लाम के ऊपर है। समझ आ गई, ये मैं मिटा रहा हूँ। पढ़ के ना कदी समझिया कुरान जिन्होंने, जिन्होंने पढ़ के भी नहीं समझा कुरान क्या है। अब आ जाते हैं हम कायदे आजम के ऊपर। अब कायदे आजम के ऊपर उनकी एक नज़म है, तेरी याद सताए बाबा। जब कायदे आजम फोत हुए थे ना, उन्होंने ये बात लिखी थी, बुके जद पांदे ने रोला रोवन जद तरसाए बाबा तेरी याद सताए बाबा। अब मैंने मुआयद नौशा गंजबख्श में बताया था कि बाबा पंजाबी में सिर्फ बुजुर्ग तो नहीं कहते, बाबा किसी को प्यार और मोहब्बत से भी बात की जाती है, इसमें अदब का अंसर भी शामिल होता है। तो यही इसी बाबे को वो कायदे आजम के लिए यूज करते हैं कि जब भी इस दुनिया वो पाकिस्तान में लोग रो रहे होते हैं और तरस रहे होते हैं तो तेरी याद आती है कि तू एक हमारा लीडर था जिसने हमें हिंदुस्तान में अंग्रेजों के गसब से निजात दिलाई, तो तू अगर जिंदा होता तो शायद हमें इन चीजों से भी बचा लेता। अब इकबाल का परचावा इस तरह है, जमाने दी करें किवें कारसाजी नमें मुजाहिद न तू ए गाजी। अब इसमें मुजाहिद वो सिर्फ जिहाद वाला नहीं है, इसमें मुजाहिद का मतलब है वो शख्स जो जिद्दोजहद कर रहा है, वो शख्स जो स्ट्रगल कर रहा है। तो वो कह रहे हैं जमाने की कारसाजी, जमाने को अगर हमने चेंज करना है, जमाने को अगर अपने मुताबिक लेकर चलना है तो हम किस तरह लेके चल सकते हैं, ना मैं खुद कोशिश करता हूँ ना तुम लोग कोशिश करते हैं। तो ये अंसर हमें इकबाल के अंदर भी मिलता है, जिसके अंदर वो बता रहे होते हैं लोगों को कि हिम्मत करो, कोशिश करो, जमाने को बदलो,
जमाने दे हालात बदले गए, नया साज है, नया राग है, नया साज है, राग बदले गए, उनकी ये नजम है इकबाल की। तो उसी तरह का अंसर हमें डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर के अंदर भी मौजूद है उनकी बातों में। कायद आजम का वेरवा है बेसिकली, ये नजम है कायद आजम के ऊपर ना, तेरी याद सताए बाबा, उन्होंने लिखी थी एक नजम, उस नजम से है ये निकाला हुआ शेर। हिम्मत का वो कहते हैं जी है कुव्वत दे सरताज, ते तख्त पैरी कोई राज दरबार तेरा ना मेरा, कि जो हिम्मत है स्ट्रगल है उसके जरिए आपको सरताज मतलब उस वो जो हिम्मत करता है वो ऊपर जाता है, वो बादशाह बनता है, उसके तक उसके पांव के नीचे उसके होता है जो शख्स हिम्मत करता है मेहनत करता है। कोई राज दरबार ना तेरा है ना मेरा है, इस तरह नहीं है कि भाई तेरी मेरी कोई मिरास है, हमें हिम्मत करेंगे तो हमें कोई चीज मिलेगी। ये भी इकबाल से थोड़ा सा मुशाबे है, इकबाल भी इसी तरह हिम्मत और अज़्म का दर्स देते हैं। सर तख्त के आगे पैर है लिखा हुआ है, पैरी पांव के नीचे, पैरी का मतलब होता है पांव के नीचे। सर ये एक बार फर्स्ट मिसरा रिपीट कर दें। है कुवत ते सिर ताज, के कुवत के सर पर ताज होता है, ते तख्त पैरी और उसके पांव के नीचे तख्त होता है। कोई राज दरबार तेरा ना मेरा, कोई जो राज है या तख्त है वो ना तेरा है ना मेरा है, वो कुवत का है। साम्राज्य से नफरत का विजार यू करते हैं, विचों जद बंदे ने, विचो जदो बंदे ने यूरोप दे व्यापारी ब्यो पारी लेंदे ने कोई माल, लेंदे ने कुतर जेब। अब वो ये बता रहे हैं कि जो साम्राज्य कुवतें हैं ना, जिस तरह यूरोप है अमेरिका है, इस तरह की कुवतें कि जब जब भी व्यापारी पाकिस्तान में आते हैं ना वो करप्ट होते हैं, लेंदे ने कोई माल और तो लेंदे ने कोई कुतर जेब, वो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी बात को बयान कर रहे हैं कि अगर साम्राज्य से आप लोगों ने दूर रहना है तो इन करप्ट लोगों से जान छुड़ानी पड़ेगी, ये करप्ट लोग उनके व्यापारी हैं, उनके एजेंट हैं किस्म के। तो ये बातें देख लें आप, फिर वही बात कि जिस तरह बाकी शोरा की बातें जो है वो सारी जिंदगी के लिए कारामद होती हैं, इसी तरह आप देख सकते हैं उनकी बातें आज भी कारामद है, कि जो भी साम्राज्य के व्यापारी होंगे वो करप्ट होंगे और खजाने को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। ठीक हो गया, इसके अंदर किसी को कोई सवाल ना हो, किसी को कुछ समझ ना आई हो। बता रहे थे मैंने मिटा दिया, अच्छा चलो मैं आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ। विचों जदों बंदे ने यूरोप दे व्यापारी लेंदे ने कोई माल ते लेंदे ने कुतर जेब, ठीक है बाकी जुबान मंजर निगारी और ये बातें आपने इसमें वो करनी है जो मैंने आपको बताई थी।
अब तीसरे हैं बाकी सदी। हाँ जी चले जाए मैं तो। अब बाकी सदीकी जो है ना, उनकी शायरी जो है वो पोठोहारी लहजे के अंदर। अब उनकी शायरी कच्चे घड़े उनके शायर का मजमू है, वो आपने देख लेनी है। उसके अंदर कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं, सिवाय ये कि उसकी बातें समझ नहीं आती क्योंकि वो लहजा पोठोहारी है। ये आप वो किताब दिखाइएगा जरा मुझे, मैं उनको एक दफा पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें कोई इतनी अहम या अलग बात नहीं है। जिस तरह डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर का एक स्पेसिफिक फलसफा है, उनका बात करने का तरीका है, या मुनीर नियाजी का एक स्पेसिफिक फलसफा पर बात करने का तरीका है, बाकी सदीकी का वो मौजूद नहीं है। उनकी जो मेन चीज है जो उनको इम्पोर्टेंट बना देती है ना, वो है उनका क्या नाम है, पोठोहारी लहजा। क्योंकि पोठोहारी में उनके अलावा बहुत कम लोगों ने शायरी की है, इस वजह से वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पेपर के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस दफा पेपर में वो नहीं आए, इसी दफा वो आ गए हैं। कच्चे घड़े की वो नज्म का मजमू है कच्चे घड़े। ये आपने कर लेना है। इसके अंदर थोड़ी सी ये है कि एक्स्ट्रा चीज वो है तरक्की पसंदीयत। तरक्की पसंदीयत जो है वो एक लिटरेरी तहरीक थी। उस तहरीक का मकसद ये था कि इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव। यूएस हिस्ट्री अगर किसी का सब्जेक्ट होना तो उसमें एक प्रोग्रेसिव एरा भी था। उस प्रोग्रेसिव एरा के अंदर होता यह कि रिफॉर्म्स लाई जाती सोशल, इकोनॉमिक और पोलिटिकल। पोलिटिकल रिफॉर्म्स होती हैं, उनका फोकस जो होता है वो डेमोक्रेसी के ऊपर होता है। सोशल रिफॉर्म्स का मकसद होता है सिविल राइट्स और इक्वालिटी, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो मुनाफा है, पैदावार है, उसकी दोबारा से तकसीम होता है, एक तरीका बनाया जाता है। तो इसके लिहाज से होता ये कि गरीबों का हिस्सा ज्यादा हो, अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया जाए। ये अमीरों गरीबों के लिए रिलीफ सब्सिडी, ये सारी तरक्की पसंदीयत है। सोशल ये होता है कि अकलियतों के लिए हकूक, सबके लिए यकसा तालीमी सहूलियात, सेहत की सहूलियात, ये होती हैं माशी चीजें। और सियासी चीजें होती हैं जमहूरियत, लोगों को आजादी हो इजहार राय की, लोगों को आजादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं। इस सब को हासिल करने के लिए जो मूवमेंट होती है वो होती है तरक्की पसंद। यही मूवमेंट जो थी वो यूएस में भी थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये मूवमेंट आई। और इस मूवमेंट का लिटरेचर में बहुत रोल है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी मूवमेंट या तहरीक को चलाने के लिए ना शेर व शायरी एक मेन चीज है। पाकिस्तान बना भी एक शायर के ख्वाब की वजह से था, इलामा इकबाल की वजह से। हमारे मुल्क में शेर व शायरी का एक बड़ा बड़ी अहमियत हासिल है। तो इस मूवमेंट को चलाने वाले थे फैज अहमद फैज, हबीब जालेब, अहमद नदीम कासमी, फराज अहमद फराज। पंजाबी में ये जो थे वो डॉक्टर शहजाद कैसर थे और बाकी सदीकी थे। इन लोगों ने पंजाबी के अंदर तरक्की पसंदीयत लेकर आए। तो ये आपने एक चीज एक्स्ट्रा है, ये आपने लिख देनी है। जब आप तरक्की पसंदीयत की हेडिंग लिखेंगे, आपने ये सारी बातें उसको एक्सप्लेन कर देनी, ताकि आप उसको पता चले कि आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है और आप जो बात कर रहे हैं उस बात का आपको मतलब पता है। नीचे कोई भी शेर उनका जो तरक्की पसंदीयत के मुतालिक हो वो आपने लिख देना, ठीक हो गया। अब बाकी जो शायर है ना, उनमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो आप नहीं कर सकेंगे। वही आपने बातें जो है रिपीट करनी है। सिर्फ एक तरक्की पसंदीयत वाली बात थी जो एक्स्ट्रा उन शायरों में आपको मिलेगी, डॉक्टर शहजाद कैसर में और बाकी सदीकी में। आप खुद करके आपको वो आ जाएगी। अब हम थोड़ा सा ना अदब दिया सिन्फा देख लें, क्योंकि
दोनों शेरो शायरी भी आती है और क्या नाम है उसके ऊपर नोट भी आ सकता है, वो किसी एक चीज के बारे में भी पूछ सकता है कि बाकी सिद्दीकी की तरक्की पसंदीद के बारे में बताओ, या वो सिंपली पूछ सकता है बाकी सिद्दीकी के जो शेरी मजमू है उसके ऊपर नोट लिखो, वो किसी भी तरीके जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपने शेर वगैरह याद करने, हर सवाल ऑलमोस्ट वैसे ही लिख देना जैसा है, ठीक है, वही हेडिंग है, सब में लग जाती है, फिट हो जाती है, इतना कोई खास उसमें चेंजिंग नहीं आती। अच्छा, अदब की सिंफे में थोड़ी सी आप, हाँ जी सर, शेर याद करने के लिए मुझे बहुत मिक्स होते हैं। अच्छा, जो शेर है ना रटा होते हैं, मिक्स लगाना पड़ता है इसको, तरीका ये जो मैंने तरीका आजमाया था शेर याद करने का, मैं शेर पढ़ता था उसको लिखता था ये खाली शीट पे, एक दफा लिखा, दो दफा लिखा, तीन दफा लिखा, वो शेर बैठ गया मेरे ज़हन में। जब मैं इस तरह करके एक एक शेर को तीन तीन दफा लिखता हूँ, पहली दफा मैंने उसे पढ़ा, पहली दफा मैंने जुबानी लिखा और चेक किया कि मैंने सही लिखा है, उसके बाद दोबारा मैंने उसको लिखा जुबानी, तीसरी दफा फिर मैंने उसको जुबानी लिखा, इस तरह वो शेर आपके ज़हन के अंदर बैठ जाते हैं, वो निकलते नहीं है। इस तरह आपने पंजाबी के शेर याद करने, पंजाबी के जितने शेर याद करेंगे आपको फायदा होगा, इसके अंदर सिर्फ यही एफर्ट है सब्जेक्ट के अंदर कि आपको शेर याद करने पड़ते हैं। बाकी अभी मैं आपको अदब की सिंफे बताऊंगा, तो अदब की सिंफे मैंने इस तरह तैयार किया हुआ कि जो शेर पहले याद किए हुए उनको इधर दोबारा यूज कर रहे हैं। अब अदब की जो सिंफे है ना वो है, उसमें जो खास पंजाबी अदब की सिंफे हैं वो है शलोक, काफी, डोले। सर ये ग्रामर में आएंगे? नहीं नहीं ये ग्रामर में नहीं है, ये सिंफे हैं टपे या माहिये। ओके सर। और बोलिया, ये पंजाबी अदब की जो प्योर पंजाबी की सिंफे वो है, और बाकी जो है ना हम ना सिंफों को भी डिफाइन कर दीजिएगा काइंडली। सिंफो ये है कि टाइप टाइप एक किस्म की शायरी की, पंजाबी शायरी की टाइप की शायर की जो श्लोक होती है काफी होती हैं, जिस तरह आप हमद नात गजल नज़्म होती है उर्दू के अंदर, उसी तरह पंजाबी के अंदर ये चीजें होती हैं, ये भी होती हैं, ये भी होती हैं, ये शायरी की आ गई, और सिंफों जो नसर होती है उसकी सिंफे होती हैं, किस्सा या दास्तान, इंचाइया, अफसाने, ड्रामे, नावल, मजमून, कहानी, ये है नसर के, ये दोनों है शायरी के, ये टाइप्स हैं कि जिन टाइप्स के अंदर शायरी होती है ये वो टाइप्स है जिनके अंदर नसर होती है, समझ आ गई बात आपको? अब मैं थोड़ा थोड़ा करके एक को समझा देता हूँ, बाकी आपने शेर इनके पेपर में देख लेना है, मैं अब आपको सिर्फ इतना का एग्जांपल बता देता हूँ कि हाँ वार भी होता है, वो भी शायरी के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा ये पंजाबी वाली समझा देता हूँ, क्योंकि ये नई चीजें ये आपको नहीं पता होगा ये क्या होती है। श्लोक जो होता है, श्लोक निकला है वर्ड शाह लोग से, इस वर्ड से ये निकला है, ये बेसिकली सूफियों की बातों को श्लोक कहते हैं, बाबा फरीद गंजकर के जितने भी शेर हैं वो श्लोक हैं,
तो आपने जो शेर उधर याद किए होंगे जब आपको श्लोक के ऊपर नोट आए आपने यहाँ लिख दिए। श्लोक का बुनतर क्या होता है, श्लोक के अंदर दो मिसरे होते हैं, चार भी हो सकते हैं और 200 से ऊपर की भी हुई है, 200 मिसरों से ऊपर की, यानी कि इसके अंदर कैद कोई नहीं है कि इतने मिसरे हो, ये हो वो हो, तो श्लोक के अंदर इतना नहीं होता। बाकी आपने शेर याद कर लेने बाबा फरीद गंज चक्र वाले, वही वो बन जाएंगे आपकी एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल हो जाएंगे जो आपने वहां याद किए होंगे। अच्छा, काफी जो होता है ना, काफी बेसिकली सिंधी जुबान से की ये थी, सिंधी जुबान से पंजाबी में आया है, इसको लाने वाले थे बाबा गुरु नानक। और काफी का मतलब होता है मुकम्मल, काफी के अंदर कोई एक मज़मून होता है और उसका मुकम्मल वेरवा किया जाता है। अब काफियां जो आपने शाह हुसैन और सुल्तान बहू की काफियां याद की होंगी ना, वो आप इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक हो गया, अब आपने जो वहां शेर ये याद किए हैं वो आपके यहाँ पर भी काम आने लग गए। सर शाह हुसैन और सेकंड नेम क्या बताया? शाह हुसैन बाबा बुल्ले शाह और सुल्तान बाहू की जो शेर है ना, आप उनको यूज कर सकते हैं इसके अंदर एज एन एग्जांपल। अब जो ढोले होते हैं ना, ढोले वर्ड निकला है ढोल से, ढोल ड्रम, तो ढोले का बेसिकली मकसद होता है लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर, ये एक ऐसी बात होगी जो जिसके अंदर निधड़की होगी, उसके अंदर ये होगा कि एक ऐसी बात की जाएगी कि एक दफा लोग चौंक जाएंगे, ये क्यों ढोले को यूज किया। जैसे मैं जब बाबा बुल्ले शाह पढ़ा रहा था मैंने समझाया था, उन्होंने एक ढोला यूज किया था, आपे साहब आपे बुर्गा आपे मुल बकाया ढोला आदमी बन रहे। अब इसमें जो महबूब है ना उसको ढोला कहा जाता है, महबूब को, महबूब नू ढोला कहते ने। ठीक है, तो सूफियों का महबूब होता है अल्लाह, तो वो अल्लाह को इस ढोल के जरिए बयान करने की कोशिश कर। इसमें आपने कुछ शेर कर लेने, इसके अंदर वर्ड ढोला जरूर आएगा, जो ढोले की एग्जाम्पलें होंगी ना उसमें वर्ड ढोला जरूर आ रहा हो। अब टप्पा और माहिया ना ऑलमोस्ट एक जैसी ही चीजें, इनमें कोई इतना खास फर्क नहीं है। माहिया जो है ना ये वर्ड निकला है या तो मह से जिसका मतलब है चांद, या तो मिंग से जिसका मतलब है भैंस। ठीक है, लेकिन जो पहली वर्ड है ना मैं, वो ज्यादा एक किसको कह ले कि जानी मानी बात है, माहिया मतलब चांद ही होगा ना, आपने अपने महबूब को माहिया कहना होता तो उसे भैंस तो नहीं ना कहेंगे, मुझे भैंस से प्यार हो गया ये तो नहीं पाल कहेंगे ना, या मेरे भैंस जो है वो बड़ी अच्छी है। जब आप कह रहे हैं मेरा माइया बड़ा चंगा है तो आपको आप भैंस के बात अलग तो नहीं बात कर रहे, आप अपने महबूब के मुतलिक बात। तो मैं जो है ना ये चांद वाली बात आपने लिखनी है। इसकी जो यूनिक बात है, इसके अंदर डेढ़ मिसरे होते हैं, डेढ़ शेर होता है, इसकी यूनिक बात है। इसमें पहले एक मिसरा आएगा, फिर दो शेर दो मिसरे आएंगे, एक मुकम्मल शेर होगा। जो पहला मिसरा होगा ना उसका नीचे वालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब इसके इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सोने दा कुल माइया लोकां दी रोन अखां मेरा रोवे दिल माइया। अब सोने के कुल का इन दोनों बातों से कोई ताल्लुक है, सोने के लॉकेट का इन दोनों से कोई ताल्लुक है? इस ये ना पंजाबी के खास वस्त है, सिंफ है, और किसी में नहीं ये मौजूद होती कि आप पहले एक मिसरा बयान करते हैं जिसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता, किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं, वो सिंपली अटेंशन ग्रैबर है। सोने का कुल माइया लोकां दी रोन अखां अखां मेरिया रोवे दिल, मेरा रोवे दिल माइया। अब ये जो शेर है ये बेसिकली खुद काफी है, लेकिन पहला जो शेर है ना वो लोगों की अटेंशन ग्रैब करने का और पंजाब के कल्चर के बारे में बयान करने का। इसी तरह एक माहिया होता है के हुक्का छकिया
पिन कर दो, ये पिन होगा नहीं। ठीक हो गया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो टप्पे या माइया होते हैं उसमें डेढ़ शेयर यूज हो रहा होता है, आधा जो ऊपर वाला शेयर होता है ना मिश्रा जो होता है उसके अंदर कोई बात का तुक नहीं होता, वो सिर्फ अटेंशन ग्रैबर होता है। उस अटेंशन ग्रैब के करने के बाद असल बात निचले दो बातों में दो लाइनों में होती जाती है। तो ये माहिए की या टप्पे की एक खास वस्फ है जो सिर्फ पंजाब, इस तरह की चीज सिर्फ पंजाबी में और किसी जुबान के अंदर है। अब बोली जो है, बोली बिना एक आजाद नज़म की तरह आप समझ लें, इसका कोई सर पैर नहीं होता, कोई भी बात किसी के साथ भी जोड़ी जा सकती है। बेसिकली जिस तरह इसमें आपने कोई भी अपनी बात है ना, उनको जिस तरह रैप म्यूजिक में सिर्फ राइम्स बना के आपने बयान करना होता है, बात कोई भी हो सकती है। आप रैप म्यूजिक में कोई भी बात कर सकते हो, अपनी गाड़ी के बारे में, अपनी औरत के बारे में, अपने हालात के बारे में। इसी तरह बोलियां बेसिकली रैप म्यूजिक ही है पंजाबी का। इसमें जिस तरह वो है कि जट शामा नु पावे कंगूरियां, कनका निसर गई, मतलब अब ये है कि जी मेरी कनके निसर गई है, मेरे पास पैसा आने वाला है तो मैं तो अब शाहों को भी गुस्से से देखूं। ये बोली है, मतलब एक तरीका है बात करने का। तो इसमें किसी चीज की पाबंदी नहीं होती, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। अब जिस तरह उथे ककर किकरा नु लगन मोती, जिथों मेरा वीर लंघदा, ये मतलब बहने अपने भाई की मतलब बयान करती थी जब उसका रिश्ता लेने जाती थी। मतलब ये बोलियां बेसिकली किसी की बड़ाई बयान करने में या अपनी बड़ाई बयान करने के लिए यूज होते थे मुख्तलिफ मौकों के ऊपर। जिस तरह जब लोगों के पास पैसे आते थे तो वो यही कहता था, जट शामा नु पावे गंगूरियां कनका निसर गई है, कि मैं तो आज भाई पैसे लेकर आया हूँ, मैंने अपनी फसल काटी है, तो मैं तो आज शाहों को भी नहीं पूछता, बादशाह को भी नहीं पूछता। इसी तरह क्या नाम है, औरतें जो हैं अपने भाई की बड़ाई बयान करती हैं कि उत्ते किकरा नु लगन मोती, जिथों मेरा वीर लगंदा, कि भाई उधर से किकर जो होता है उसके ऊपर कांटे लगे होते हैं तो वो तो उसके ऊपर भी मोती लग जाते हैं जहां से मेरा भाई गुजर रहा है। अच्छा, इसी तरह सास बहू की लड़ाई के अंदर भी है, जिथो मेरी सास वरते उतो ना मैं वरतूं भी पानी, कि मतलब मैं जहां से मेरी सास काम करती है मैं तो उसे पानी भी नहीं पीऊंगी। तो इस तरह की चीज है, मतलब रोजमर्रा की बातें बोलियों के अंदर बयान की जाती है मुख्तलिफ तरीकों के अंदर। अब जब हम पहला सवाल आ रहे थे, पहला हमारा लेक्चर था, तो मैंने आपको बताया था कि वो भी बोली है कि होली होली नाच कुड़िए तेरे लाकना मरोड़ा खा जाए। बोलियों के बकायदा मुकाबले होते कि लोग जाते थे मेलों के अंदर, वहां पे एक बंदा मौलवी बोली गाता था, फिर दूसरा बंदा उसके मुकाबले में बोली गाता था, जिस तरह रैप बैटल होती है। अगर आप में से कोई रैप फैन का, हिप हॉप म्यूजिक का फैन हो तो उसको पता चले कि रैप बैटल होती है, रैप म्यूजिक की लड़ाई होती है कि एक शख्स पहले रैप बोलता है फिर उसके जवाब में दूसरा बोलता है। इसी तरह बोलियों के मुकाबले होते थे पंजाब के अंदर मेलों के अंदर। तो ये बेसिकली आपको समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक रैप म्यूजिक है। लोरी जो होती है ना, लोरी मैंने आपको वो एग्जांपल दी थी कि अल्लड़ बल्लड़ बावे दा बावा कनक लाएगा, जब हम सारा पढ़ रहे थे तनकीद वाली किताब, बावी बह के चट्टे की माँ पोनिया वटेगी, इस तरह की मतलब वो लोरियां होती हैं। इसी तरह एक लोरी है, काला कुत्ता देवे दवावा तेरिया जीवन मज्जा का, मतलब माँ जो बच्चे को सुलाने के लिए इस्तेमाल करती है उसको लोरी बोलते हैं। वार का टॉपिक हमने कल पढ़ना है तो आपको पता चल जाएगा, इसमें एक जंग का जिक्र होता है, किसी भी जंग का खुल के वेरवा किया जाता है, और वो जंग कोई भी हो सकती है। हमने जो पढ़नी है वो सिखों की और चट्ठों की, और सिखों की लड़ाई और सिखों की आपसी लड़ाई है जो हमने पढ़नी है अभी हमारे सिलेबस में। ये आप इनके शेर देखेंगे आपको आसानी से पता चल जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसी तरह हमद भी होती है,
हम्द वो नजम होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाए। सर हाँ जी सर, ये सारी सिंफें आपने तो एक साथ बताई हैं, लाइक अब इनमें कुछ हैं जो सूफियाना शायरी की सिंफें हैं, जैसे ये माइया टपा ढोला, ये तो सूफियाना शायरी की सिंफें हैं, और कुछ हैं नहीं, जो ये लोग सूफियाना शायरी के नहीं है, ये इसमें कोई भी शायरी हो सकती है, माहिया ढोले बोली इनमें कोई भी शायरी हो सकती है। काफी श्लोक जो है ना ये प्योर सूफी शायरी। सर, और इसके अलावा ये जो लोग गीत किए हैं, लाइक गीता हो गया, तस्कली है, और माइया वगैरह, तो इनको डिफ्रेंशिएट करना लास्ट में या बस पंजाबी अदब की सिंफा नहीं में है, सब वो कुछ आपको लोकगीत बोलते हैं ना, लोकगीतों की सवाल आता है एक दफा लोकगीत पेपरों के अंदर के लोकगीत के बारे में बयान करें, तो आपने ये बातें बयान करनी होती है बेसिकली, श्लोक काफी ढोले टप्पा बोलियां लोरी वार ये चीजें हैं, ये सारी लोकगीत ही हैं, ये मुख्तलिफ लोक गीतों के अंदर ये इस्तेमाल हो रही होती है। सर। कसकली और गिद्दा क्या होता है? क्या चीज कसकली, मुझे कसकली, आइडिया नहीं, सॉरी। ये सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। ओके सर, हाँ ये मुझे आइडिया नहीं है, ये सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, तो ऐसे इनके ऊपर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं। अच्छा हम्द होती है वो नजम जिसमें अल्लाह की जात की तारीफ बयान की जाए। मैंने आपको हमदिया शेर कितने लिखे जब हम वो पढ़ रहे थे मियां मोहम्मद बख्श, उसमें मैंने आपको हमद बताई, अभी डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर की मैंने हमद बताई, मुनीर ने वो, इसी तरह बाकी शायरों के भी हमद हैं, तो आप उनकी एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह मैंने नातिया उनके शायर भी बताए, अशार वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। गजल जो है ना, गजल आपको अच्छा इन तीन, ये जो है ना ये जो सिन्फे हैं, ये सिन्फे जो है ना पंजाबी की सिन्फे नहीं है, ये उर्दू कुछ अंग्रेजी से आई है, कुछ फारसी से आई है, गजल फारसी से आई है, नात उर्दू से आई है, हम्द भी उर्दू से आई है, और जो नजम है ये अंग्रेजी जुबान से आई है। आपने इनके ऊपर सवाल अटेम्प्ट करना है वैसे ही, कि आपने नजम का बताना है कि नजम अंग्रेजी जुबान में इस्तेमाल होती थी। विलियम वर्ड्सवर्थ उसका बहुत मशहूर शायर है, बायरन है, शेले है, उसके बाद जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो ये सिर्फ जो है इंडिया में भी आ गई, फिर पंजाब में आई, तो जब पंजाब में आई तो पंजाब के लोगों ने पंजाबी में नज़में लिखना शुरू कर, ठीक हो गया, इस तरह आपने शुरू करना है। गजल का है, गजल की मैं आपको स्टार्टिंग स्टोरी बता देता हूँ। गजल का कहा जाता है कि गजल जो है वो जब किसी भी हिरण का शिकार किया जाए उसके जुबान से जो चीख निकलती है उसको गजल बोलते हैं, मतलब उसको तीर लगता है और जो आवाज आती है उसके बाद वो जो रोती है उसको गजल बोलते हैं। लेकिन बेसिकली गजल जो है ना कसीदे का पार्ट होती है, अरबी लोग जो थे ये कसीदे लिखते थे, कसीदे के अंदर पहला हिस्सा होता था कि आपने अपने उस शख्स की ना वैसे बनाओ श्रृंगार की तारीफ करनी होती थी, उसकी बॉडी की तारीफ करनी होती थी, पहला पार्ट ये होता था कि भाई वो उसका ऊंचा लंबा कद है, वो खूबसूरत है, उसका रंग ऐसा है, मतलब इस तरह की बात, उस हिस्से को गजल बोला जाता था। वो हिस्सा जब फारसी में आया ना, कसीदे जब फारसी में आए तो उन्होंने उस पार्ट को अलहदा करके गजल ही बयान किया, तो गजल का बेसिकली स्टार्ट इस तरह हुआ कि अरब जो के कसीदे लिखते थे वो कसीदे जब ईरान में पहुंचे तो ईरान ने कसीदे का जो पहला पार्ट है जिसके अंदर महबूब की या जिस शख्स की भी कसीदा लिखा जा रहा है उसकी तारीफें की जाती हैं उसकी बॉडी की, उसको अलहदा करके एक अलहदा सिंफ बना दी गजल, और फिर वही गजल हिंदुस्तान में भी आ गई। तो ये है इनका किस्सा दास्तान, मैंने आपको सैफुल मुल्क का किस्सा बताया, पढ़ाया है वारिस शाह की हीर पढ़ाई है, इसी तरह सस्सी पन्नू का भी किस्सा है, वो आप पीएमएस में पढ़ेंगे वो होता है, इसी तरह इंशाइया है। इंशाइया बेसिकली ऐसी नसर होती है जिसका कोई खास मौजू नहीं होता, इसका कोई सर पैर नहीं होता, ये किसी से भी शुरू हो सकती है, कहीं पे भी खत्म हो, ये भी अंग्रेजी से आया है इंशाइया। अफसाने भी अंग्रेजी से आए हैं, ड्रामे हिंदुस्तान में पहले मौजूद थे, क्योंकि ड्रामे रामायण के ऊपर ड्रामे हिंदू यहाँ पहले बना रहे थे, तो बाद में वो पंजाब के लोगों ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नावल जो है पंजाब में दास्तानें होती थी, नावल नहीं होते, तो जब अंग्रेज आए तो उसे नावल की शक्ल में लिखना शुरू कर दिया, पहले शेर व शायरी की शक्ल में लिखते थे वारिस शाह ने या हाशिम शाह ने, सस्सी पुन्नू का जो वाक्य लिखा है वो शेरों में लिखा है, वो शेरों के जरिए पूरी दास्तान है, जब अंग्रेज आए तो उसको नसर की सूरत में लिखना शुरू कर दिया, तो फिर हमने नावल लिखना शुरू कर दिया। अब इसमें हमने नावल पढ़ा था बोल मिट्टी दा बाव, ओ सॉरी दीवा दे दरिया सज्जाद हुसैन, तो वो बेसिकली नावल था। इसी तरह मजमून जो होते हैं, मजमून ऐसे होता है सिंपली, जिस तरह आप इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं वही पंजाबी में भी ऐसे होते हैं,
कहानी भी अफसाने की तरह ही होती है, लेकिन अफसाना से और भी छोटी होती है, और कहानी का ना कोई नतीजा जरूर निकलता है। अफसाने का कोई जरूरी नहीं है कि कोई नतीजा निकले, कहानी का बेसिकली कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, उसका कुछ एंड होगा। अफसाना बगैर एंड किए भी हो सकता है। समझ आ गई आपकी ये सारी बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। एक्सक्यूज मी सर। सर ये आपने जैसे इंशाया बताया, हम इंशाया को जब डिफाइन करेंगे तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तारीफ करनी होती है, और उसके बाद उसकी मतलब जो लोड़ा या जरूरत जिसे कह लें, और उसके बाद फिर सर इसकी किस्में, और सर एक होता है कि ना इंशाया की जो टोर या इर्तका होता है जिसमें लाइक इसके फर्स्ट स्टार्ट से जो इसके शायर गुजरे होते हैं, तो वो भी लिखना होगा हमें कि पहले शायर कौन थे और अब तक आने वाले जितने भी शायर। हाँ, इसका मैं आपको ना एक एक चीज बता दूं, मुझे याद आया कि इस सवाल को अटेम्प्ट किस तरह करना है। ये सवाल आपके पास पेपर में आएगा ना, आपने सबसे पहले तो फर्ज करें किस तरह आ रहा है, ये पीएमएस में 16 मार्क्स का आता है, और सीएसएस में ज्यादातर ये 8 मार्क्स का इसके किसके ऊपर नोट आ जाता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। जी सर, अटेम्प्ट करने का तरीका बता दीजिए। हाँ, अटेम्प्ट करने का तरीका, सबसे पहले आपने जी इसकी तारीफ करनी है, फिर आपने बताना है टोर। टोर बेसिकली होता है इर्तका, ये जो मैं आपको बता रहा था ना हिस्ट्री के जी, गजल पहले अरबों में थी, फिर वो फारस ईरान में आई, फिर वो हिंदुस्तान में आ गई, ये बेसिकली टोर होती है। पहले कहाँ से शुरू हुई, अब कहाँ पर है? अच्छा, फिर पंजाबी विच टोर में ना बेसिकली पोएट होते हैं, तो वही थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, लाइक उनके नेम मिक्स हो जाते हैं। अगर वो नेम बेशक ना भी लिखे, आप स्टोरी बेशक याद कर लें, आपको नेम याद ही ना रहता, स्टोरी याद कर लें कि जी पहले अरबों में थी फिर फारसी में आई है, जरूरी नहीं है कि उन बंदों के नाम याद करें कि जो पहले अंग्रेजों से हिंदुस्तान में लेकर आए, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है। पंजाबी विच अब कोई भी है, अगर किस्सा है तो किस्सा, अफसाने अफसाने हैं, ड्रामा है ड्रामा है, उसका लिख लें कि वो क्या है। फिर उसकी अगर किस्में हैं तो किस्में लिख लेती हैं, जिस तरह ड्रामे की ना किस्में होती हैं, ड्रामा रेडियाई ड्रामा भी होता है, टीवी का ड्रामा भी होता है, और स्टेज का ड्रामा भी होता है, तीन किस्में होती हैं ड्रामे की, तो किस्में हो तो किस्में लिख देनी है। मजमून जो होता है, मजमून जो है हालात हाजरा पर भी होता है, माशरे के हालात पर भी होता है, और अदब के ऊपर भी होता है, मजमून का कोई भी टॉपिक हो सकती है, उसकी किस्में मुख्तलिफ किस्में आपने लिख देनी है। फिर उसके ऊपर कुछ मिसालें देनी है आपने, मिसालें देंगे तो आपका सवाल ये पूरा होगा, और फिर मुक्ति गल। सर पसे मंजर भी तो होगा, लाइक अब ये जो सफरनामा सर इसमें पता नहीं है कि नहीं, अब हम इस तरह से किसी का भी देखें तो उसका पसे मंजर भी तो हमें बताना होगा। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ, वो पसे मंजर बताने, वो लोड़ा थोड़ा होती है, वो आप लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है। लोड़ा थोड़ा ये होती है कि वो चीज की हैयत क्या है, जिस तरह अगर मजमून है तो मजमून का एक पहला पैरा इंट्रोडक्टरी पैरा होता है, फिर उसमें मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, हर पैराग्राफ के अंदर अलग बात होती है, फिर उसको कंक्लूड किया जाता है, ये मजमून की लोड़ा थोड़ा है। टप्पे की लोड़ा थोड़ा क्या थी कि उसके अंदर डेढ़ शेर होता है, कि आधा मिसरा ऊपर होता है और एक पूरा मिसरा नीचे होता है, तो ये बातें जो होती है ना, ये लोड़ा थोड़ा इसको बोलते हैं, ये भी ऐड कर ही लें, किस्मों से ऊपर ऐड कर लें लोड़ा ते थोड़ा, बेसिकली उसकी उर्दू में बात कर लें तो हैयत। इसको बुनतर भी लिख सकते हो पंजाबी के अंदर, अगर लोड़ा थोड़ा नहीं लिखना तो। सर इसको जरूरत कहेंगे सादा अल्फाज में कि नहीं, जरूरत नहीं होता। जरूरत नहीं होता, ये इसकी कहते हैं हाउ टू राइट, एक किस्म का ये होता है कि इसको लिखना किस तरह, इसको इसके अंदर की चीजें क्या है। सर हैयत के बाद कौन सा वर्ड लिखा आपने? बुनतर, आप इसकी जगह बुनतर भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लोड़ा ते थोड़ा की जगह आप खाली बुनतर वर्ड यूज कर लें, वो भी यही मतलब होता है उसका। इस तरह आपने ये हेडिंग दे के इसको सवाल को अटेम्प्ट कर। इस सवाल की एक और बात भी है कि आप बेशक जाएं तो उर्दू के ड्रामों की भी मिसालें दे सकते हैं, अब अंग्रेजी के ड्रामों की भी मिसालें दे सकते हैं, ठीक है, और लेकिन पंजाबी की मिसालें देना लाजमी है, ऐड जरूर करें उसके अंदर।
अब समझ आ गई आपको, कोई इसमें कंफ्यूजन हो? बाकी ये जब आप पढ़ेंगे आपको कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, इसकी मिसालें बस आपने रटा मारनी है कि पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्लास आपकी फिर ये एंड हो जाती है।